सो गाइस, दिस कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है कैसे आप इंशॉट के अंदर अपनी फोटो से ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, लाइक लिरिक्स स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो इंशॉट के अंदर। मैंने आपको इस वीडियो पर दिखाए है, सो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इंशॉट वीडियो एडिटर के अंदर। सो अगर आपके पास इंशॉट वीडियो एडिटर नहीं है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। इंशॉट ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है, वीडियो पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से आप न्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलता है, वीडियो, फोटो ऑल। सो आप फोटो पर क्लिक करना और फोटो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना एक पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, लाइक जिस फोटो से आप स्टेटस वीडियो बनना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपना जो पिक्चर उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना जो पिक्चर है सिलेक्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो पिक्चर सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर रिसेंट का ऑप्शन मिलता है, लाइक रिसेंट पर क्लिक करके आप डायरेक्टली फोल्डर से जो है पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर ये जो टिक मार्क ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर आ जाएगा। आप देख सकते हो इंशॉट के अंदर यहाँ पर मिलता है कैनवास, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से बैक एस्पेक्ट रेशियो जो है सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। सो मैं 9:16 को सिलेक्ट करता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ, लाइक ये जो लाइन मिलता है इसकी मदद से आप अपना जो पिक्चर उसको जूम कर सकते हो पूरे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन अभी क्या करना है आपको अपना जो पिक्चर उस पर क्लिक करना है और फोटो को आपको कुछ इस तरीके से राइट साइड की तरफ स्लाइड करना है तो आपकी पिक्चर का टाइम ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। और आप इसका जो टाइम ड्यूरेशन उसको इंक्रीज कर लेना, लाइक आप कितनी सेकंड का स्टेटस वीडियो बनना चाहते हो उसी के हिसाब से आप इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद आप इसे प्ले करके देख भी सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है PIP, सिंपली PIP पर क्लिक करना है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक इफेक्ट ऐड करना है जो कि एक स्नोफॉल इफेक्ट होगा। सो आपको वीडियो पर क्लिक करना है और स्नोफॉल आपको इफेक्ट मिलेगा कहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आप वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको सारा चीज़ इसी वीडियो पर ही एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ से हम एक स्नोफॉल इफेक्ट ऐड कर लेते। सबसे पहले तो हम अपना जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेते, लाइक यहाँ से मैं ये वाला जो फोल्डर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जो है एक स्नोफॉल इफेक्ट ऐड करता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ हमारा स्नोफॉल इफेक्ट कहाँ पर है, तो ये रहा। सो इसको हम ऐड कर लेते, इस पर क्लिक करना है। सो ये आ चुका है और उसके बाद आप इसे रोटेट कर लेना कुछ इस तरीके से, लाइक आप इसे रोटेट कर सकते हो अपने मुताबिक एंड उसके बाद पूरे स्क्रीन पर जूम कर लेना, ठीक है। एंड इसका स्टार्टिंग का जो है थोड़ा सा क्लिप आप कट कर लेना, लाइक स्प्लिट कर लेना। डिलीट पर क्लिक करके आप इसे जो डिलीट कर लेना, उसके बाद आप इसे ड्रैग करके आगे लेके आ जाना कुछ इस तरीके से। और उसके बाद क्या करना है आपको इस इफेक्ट पर क्लिक करना है, यानी कि स्नोफॉल इफेक्ट पर। सो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो उसके बाद क्या करना है, राइट पे स्क्रॉल करना आपको मिलता है ब्लेंड, इस पर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देना है स्क्रीन। सो स्क्रीन या लाइटन आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सो हम स्क्रीन को करेंगे और उसके बाद कर देना है डन। सो मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से ये जो आपकी पिक्चर के ऊपर आ चुका है। उसके बाद क्या करना है आपको, कर देना है डन। डन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मिलते इफेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा राइट पे स्क्रॉल करना है, सेलिब्रेट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली सेलिब्रेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इफेक्ट मिलता है, लाइक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। सो इसके अलावा आप यहाँ से भी जो है स्नोफॉल इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से अगर आपको इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आ जाना है बैक। सो मैं कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं करूँगा, मैंने जस्ट आपको दिखाया है कि आप यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कर देना है डन। सो डन करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन कर देना है डन। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है PIP, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलता है PIP, आप इस पर क्लिक करेंगे और वीडियो से आपको फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो एक इफेक्ट ऐड करना है। सो एक बिगनेट इफेक्ट ऐड कर लेना है। सो मैं आपको बताऊंगा आपको बिगनेट इफेक्ट मिलेगा कहाँ, सबसे पहले इसे ऐड कर लेते। तो ये हमारा बिगनेट इफेक्ट कुछ इस टाइप का है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसे पूरे स्क्रीन पर जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो अपने हिसाब से जूम कर लेना स्क्रीन पर, लाइक मैंने जूम कर लिया, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसे आप इस तरीके से सेट कर लेना नीचे की साइड पर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका टाइमलाइन आपको अपनी मेन फोटो के साथ एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और उसके बाद कर देंगे डन। सो ये इफेक्ट कुछ इस तरीके से आपके फोटो के ऊपर जो है सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है PIP, इस पर अगेन क्लिक करना है और यहाँ से आप जो PIP सिलेक्ट कर लेंगे अगेन,
एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ से वीडियो सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना जो लिरिक्स है उसको ऐड करना है। सो मैं आपको बताऊंगा लिरिक्स आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले हम जो लिरिक्स ऐड कर लेते लाइक यहाँ से हम ये वाला लिरिक्स को ऐड करते, सिंपली लिरिक्स पर क्लिक करेंगे सो आपका लिरिक्स आ जाएगा। इसे आप प्ले करके देख सकते हो, यहाँ से ये कुछ इस टाइप का है। सो आप इस पर क्लिक करेंगे सो पूरे स्क्रीन पर जूम कर लेना अपने मुताबिक। सो मैंने जो जूम कर लिया आप देख सकते हो, उसका जैसे नीचे की साइड पर सेट कर लेना है लाइक बिल्कुल नीचे की साइड पर यहाँ पर सेट कर लेना। एंड यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है, एडजस्ट पर क्लिक करना है, सेचुरेशन को आप इसका इंक्रीज कर लेना थोड़ा बहुत लाइक 10% तक। और राइट पे स्क्रॉल करना शेडो मिलता है, शेडो को आपको थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है लाइक 10% तक, उसके बाद कर देना डन। सो लिरिक्स को आप अगेन सिलेक्ट करके रखना और लिरिक्स को सिलेक्ट करके आपको राइट पे स्क्रॉल करना है, ब्लेंड का ऑप्शन मिलता है सिंपली ब्लेंड पर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देना स्क्रीन या लाइट। अभी इन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सो मैं जो स्क्रीन को अप्लाई कर रहा हूँ उसके बाद कर देना है डन, ठीक है। सो डन करने के बाद यहाँ पर अगेन कर देना है डन। डन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ स्टिकर मिलता है इस पर क्लिक करना है और थोड़ा राइट पे स्क्रॉल करना है लाइक आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर काफ़ी सारा जो इफेक्ट मिल जाता है। सो आप कोई भी इफेक्ट है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो अपने लिरिक्स पर। सो हम यहाँ से वाला अप्लाई कर लेते, उसके बाद कर देना है डन। सो ये हमारा इफेक्ट आ चुका है आप देख सकते हो। इसे आप यहाँ पर नीचे की साइड पर सेट कर सकते हो लाइक कुछ इस तरीके से, आप इसको यहाँ पर सेट कर लेना, किसी भी जगह पर आप इसे चिपका सकते हो। एंड उसके बाद क्या करना है, सो इसे थोड़ा ऊपर कर लेते लाइक इतना ऊपर रख लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, इसका टाइमलाइन आपको अपनी पिक्चर के टाइमलाइन के साथ एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद कर देंगे डन। डन करने के बाद मैं आपको अभी इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा लिरिक्स स्टेटस वीडियो जो है बनकर तैयार हो चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मस्त तरीके से हमने जो है स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर लिया इनशॉट के अंदर, और हमने काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का जो है वीडियो एडिटिंग किया। अभी अभी इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो। सो अभी हम बात करते हैं कि आप इन सब को कैसे बना सकते हो लाइक स्टेटस कैसे बना सकते हो इस टाइप का लिरिक्स स्टेटस। तो सबसे पहले हम इसे सेव करना सीख लेते हो, उसके बाद हम बात करेंगे स्टेटस के बारे में। सो आपको सेव करने के लिए ऊपर में सेव का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप रेजोल्यूशन पर क्लिक करके 1080p सिलेक्ट कर लेना। फ्रेम रेट पर क्लिक करके आप जो है 30fps सिलेक्ट कर लेना। ऊपर में सेव पर क्लिक करेंगे सो आपका जो स्टेटस है सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगी यानी कि सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसे जहाँ पर भी अपलोड करना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं आप कैसे इस टाइप का स्टेटस वीडियो बना सकते हो। वैसे तो आप इस टाइप का स्टेटस वीडियो बना सकते हो इनशॉट के अंदर ही, और इसके लिए आपको जरूरत पड़ता है एक और एप्लीकेशन का जिसका नाम है नोट वीडियो एडिटर। लेकिन मैं आपको एक इजी प्रोसेस बताता हूँ। सो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस वीडियो पर जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। लाइक मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर बिगिनेट इफेक्ट, इसके अलावा स्नोफॉल इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट और साथ में आपको कुछ इस टाइप का जो ब्लैक स्क्रीन के साथ कुछ लिरिक्स का लिंक मिल जाएगा, और उनके साथ जो ब्लैक स्क्रीन के साथ होगा और उनके अंदर ऑलरेडी म्यूजिक ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। सो आप उन्हें डाउनलोड करके अपनी किसी भी फोटो पर यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करके, जैसे मैंने आपको इस वीडियो पर दिखाया है। सो कुछ इस तरीके से आप जो कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो।